हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज यहाँ पे बताएंगे आपको डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट के बारे में। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये वीडियो किस तरह से चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि भाई ये क्या बेसिस ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे कुछ मैं प्रोडक्ट कॉस्ट का लिखूंगा, यहाँ पे कुछ मैं पीरियड कॉस्ट का लिखूंगा। दोस्तों मैं यहाँ पे 7 डिफरेंसेस लेके आया हूँ, लास्ट के 2 डिफरेंसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सुनने के बाद प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट डिफरेंस अगर शॉर्ट नोट आती है तो भी आप उसको आसानी से लर्न कर सकते हो। तो चलो दोस्तों यहां पे शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मीनिंग। तो मीनिंग क्या हो जाता है, द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोडक्ट कॉस्ट। तो कौन सा हो जाता है, डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, वो तमाम कॉस्ट जो प्रोडक्ट बनाने में यूज होते हैं, यूजफुल होते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए एट्रिब्यूटेबल होते हैं, जैसे कन्वर्जन हो गया या प्रोसेसिंग हो गया या मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो ये सारे कॉस्ट को हम लोग भैया प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे पीरियड कॉस्ट क्या हो जाता है, जो टोटल कॉस्ट माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट, तो पीरियड कॉस्ट हो जाएगा। जो कॉस्ट प्रोडक्ट के लिए नहीं है, जो करने ही करने हैं, जो हमारे एक्सपेंस होने ही वाले हैं, तो यहाँ पे ये चीज को होता है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल देते हैं भैया कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होते हैं वो प्रोडक्ट कॉस्ट में आ जाएगा और दूसरे जो होते हैं वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग में पीरियड कॉस्ट जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिस। तो बेसिस क्या है, वॉल्यूम पे है, और ये अगर ये पीरियड है तो ये टाइम पे ही होगा। लेकिन अब थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हैं कि जिस तरह से कंपनी में पैदावार प्रोडक्शन बढ़ता है उसी तरह से प्रोडक्ट कॉस्ट भी बढ़ता है, और ये जनरली टाइम बेस पे होता है, तो ये फिक्स ही रहता है। और आगे बढ़ते हैं कि भाई फिक्स कॉस्ट वाला जो होता है वो पीरियड कॉस्ट आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट वाला होगा वो प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाता है। फिर लिखते हैं विच कॉस्ट इज रिगार्डेड एज प्रोडक्ट कॉस्ट। तो भाई ये जो अभी मैंने बोल दिया, वेरिएबल कॉस्ट जो होता है जो प्रोडक्ट के रिलेटेड है वो प्रोडक्ट कॉस्ट में आ जाएगा, और यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट के रिलेटेड हो जाता है जैसे सैलरी हो गया या इंटरेस्ट हो गया, आप प्रोडक्ट बनाओ नहीं बनाओ भाई टाइम हो गया, पेमेंट चाहिए, इंटरेस्ट इतना लगेगा, ऐसे आप समझ जाते हो तो ये आपके लिए बड़ा यूजफुल होता है। अब लास्ट 4 बाकी रह गए हैं दोस्तों, तो जरा यहाँ पे डिटेल से देख लेना। आर दीज कॉस्ट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। प्रोडक्ट है तो इन्वेंट्री है, फिर से बोलो, प्रोडक्ट है तो इन्वेंट्री है, तो भैया प्रोडक्ट कॉस्ट तो डेफिनेटली आएगा। जब यहाँ पे प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता, टाइम हो गया पेमेंट चाहिए, तो वो जो चीज होती है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री में पीरियड कॉस्ट नहीं आता है, जबकि यहाँ पे पीरियड कॉस्ट में प्रोडक्ट कॉस्ट में ये आता है। उसके बाद कंप्राइजेस ऑफ क्या हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ऑल द कॉस्ट रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो यहाँ पे चला जाता है। और उसके बाद यहाँ पे नॉन मैन्युफैक्चरिंग होता है, रेंट ले लो, सैलरी ले लो, एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, एक्सेट्रा, जो सारे कॉस्ट होते हैं वो सारे के सारे, इन शॉर्ट मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो हो जाते हैं वो प्रोडक्ट में आएंगे, बाकी सारे यहाँ पे लिख देना। अब यहाँ पे आगे जाते हैं, पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जी हाँ बिल्कुल हाँ भाई, प्रोडक्ट ही तो प्रोड्यूस करना है, तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस प्रोडक्शन, तो ये तो इसमें ही आ गया, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे अब एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल तो आप कोई सा भी लिख लेना यहाँ पे, भाई मैन्युफैक्चरिंग होता है, रॉ मटेरियल होता है, कन्वर्जन होता है, लेबर होता है, तो वो सारे के सारे यहाँ पे प्रोडक्ट के रिलेटेड है। और यहाँ पे सैलरी वैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, ऐसा कुछ भी लिख देना। अब जब से मैंने बोला था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा भी डाल देते हैं कि भाई यहाँ पे जो होता है प्रोडक्ट कॉस्ट जो होता है उसे इन्वेंटरी कॉस्ट भी बोल देते हैं, यहाँ पे जो होता है उसे ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोल देते हैं। तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट हो गई, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली जो चीज हो जाती है जहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों लिए जाते हैं, मार्जिनल में वेरिएबल लिया जाता है, ये हो गया। ये मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ऐसे ही वीडियो मैं लेते आता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।